जैसा कि आप सब जानते हैं कि आईएमटी ना केवल आईएमटी ना केवल उड़ीसा या पूर्व भारत बल्कि सारे भारत का एक अभूतपूर्व अपने में अनोखा इंस्टीट्यूट है, दी ओनली वन ऑफ इट्स काइंड, जहां पर जो रिसर्च शोध होता है वही नहीं बल्कि और भारत की आर्थिक व्यवस्था, भारत की इकोनॉमी, भारत की डिफेंस ग्रोथ, उन सब चीज़ों में, मैन्युफैक्चरिंग में इनका योगदान है। और जिस प्रकार का यहाँ शोध और रिसर्च हो रहा है, मैं समझता हूँ कि उसको और ज़्यादा प्रसारित करने की आवश्यकता है, जिसमें मीडिया हमारे साथ सहयोग कर सकता है। साथ ही साथ उद्योग जगत के लोगों को इससे अवगत कराया जाए कि यहाँ पर जो जो काम हो रहा है उसमें इंडस्ट्री भी अपने आप को इन्वॉल्व कर सकती है, स्टार्टअप्स के लिए जीविका के नए साधन, रोजगार के नए साधन। और खासतौर ऐसे समय में जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने ब्लू इकोनॉमी, डीप सी मिशन जैसे नए अन्य किस्म के एक नए प्रकार के कार्यक्रम प्रारंभ किए हैं, जिसमें समुद्र के नीचे में एक अभूतपूर्व जो हमारा सरमाया है उसको कैसे खोज करके उसकी किस तरह से सदुपयोग हो, या उसको अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने में किस तरह से उसको इस्तेमाल में लाया जाए, उसका शोध भी आईएमएमटी के द्वारा किया जा सकता है। और मुझे लगता है कि उसकी मात्रा, उसकी स्केल और बढ़ाने की आवश्यकता है, जिसको बैठ करके हमने प्रोफेसर बसु के साथ, डायरेक्टर के साथ चर्चा भी की, और आने वाले समय में इसका एक हम ज्वाइंट एक टास्क फोर्स बनाने का भी एक प्रयास करेंगे, योजना बनाएंगे। टुडे वी हैव इनॉग्रेटेड 3 फैसिलिटीज एट आईएमएमटी बिकॉज ऑफ विच द मिनिस्टर हैड कम, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड आर्ट साइंसेज एंड ऑल्सो वाइस प्रेजिडेंट ऑफ सीएसआईआर। वी ओपनड आवर हाई रेजोल्यूशन ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप फैसिलिटी, फील्ड एमिशन स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप फैसिलिटी विथ ईबीएसडी विच इज बैक स्कैटर्ड, एंड सो यू कैन नो द सर्फेस वॉट इज हैपनिंग। एंड देन मोर इम्पॉर्टेंटली वी हैव ओपन फॉर स्टेट टू हेल्प द एमएसएमईज कॉमन रिसर्च टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हब, एंड ऑल्सो वी साइन एमओयू विथ एनआरडीसी आवर इंक्यूबेशन सेंटर इनटेक। The full form of INTEC is Innovation Technology Enabling Center, and with Commodore Rastogi, who is the CMD of NRDC, and myself as the director of IMMT, we signed MOU and exchanged, and there will be a Section 8 company of NRDC locally will be established, and under the umbrella of INTEC, it will operate, and so it will be an NRDC center, but INTEC will be named. And in MSME sector, we are already helping a lot of people here. हम यहाँ पे जितने MSME sector हैं उन्हीं को हम बहुत मदद करते हैं। हमारा जो technology है, जो characterization facilities है, benchmarking और technology कैसे अच्छा कर सकते हैं और उनका product कैसे अच्छा हो सकता है, इसी के ऊपर हम चर्चा करते हैं, हम उनको सिखाते हैं, उनको दिखाते हैं, फिर उनके लिए आगे मार्केट में कैसे वो लिया जाए उसके ऊपर भी हम काम करते हैं। तो ये जो एक सिनर्जी बना सीआरटीवीएच और इंक्यूबेशन सेंटर इंटेक का, इन दोनों मिला के ये बहुत ही अच्छा एक हमारे तरफ से एक अच्छा एक प्रतिष्ठान और एक हम कोशिश कर रहे हैं, कोशिश किया है और कुछ हद तक हमने काम कर लिए। हमारे पास अभी 5 इंक्यूबेटी हैं और एमएसएमई, कम से कम 20 एमएसएमई हमारे पास आते हैं कुछ ना कुछ मदद लेने के लिए, जैसे हैंडीक्राफ्ट, मेटल क्राफ्ट के ऊपर काम करने के लिए, कुछ एग्रो केमिकल्स और फर्टिलाइज़र के ऊपर काम करने के लिए कुछ लोग आते हैं, और हम केमिकल्स और कोटिंग के ऊपर भी हम लोगों को हेल्प करते हैं। तो इसी के ऊपर आज सारे चर्चा हुआ और मिनिस्टर आके ये सीआरटीडीएच इनॉग्रेट किया। थैंक यू। इट्स अ सेक्शन 8 कंपनी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इट्स अ 68 ईयर ओल्ड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कंपनी, हैविंग लॉट्स ऑफ स्ट्रेंथ इन डूइंग टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एंड ऑल्सो आईपीआर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। सो टुडे वी हैव साइंड अ जॉइंट एमओयू विद आईएमएमटी प्राइमरली टू लुक आफ्टर टेक्नोलॉजी इनक्यूबेटर, एंड वेर इन वी विल हैव द स्ट्रेंथ ऑफ एनआरडीसी टू incubate the startup and MSMEs and utilizing facilities of IMMT to give a support to the startup and MSME ecosystem in the state.
which will not only look after the technological requirement of the IMMT, but we will also carry forward or bring in the strength of NRDC in the field of other technologies which have been assigned to us for commercialization. So the startup ecosystem in the state will certainly get benefited with this joint venture.